अनू कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ और टेंथ क्वेश्चन मैंने दिया ही नहीं आपको अभी तक अतनु अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी फाइव इंटेरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसमें सबसे पहली चर्चा हमने आपके साथ क्या करी सिमिलर कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट इन लॉ सेबी रिक्वायरमेंट लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज 33 थ्री 41 में सिमिलर कॉन्सेप्ट है फटाफट फड़ से बताओ ये क्या कहता है इट रिक्वायर्स लिस्टेड कंपनीज टू प्रेजेंट अच्छा कौन से स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए कहता है एट ईच क्वार्टर ओ क्या ये वाले केस में क्वार्टरली ही होता है जो आपका लॉ है उसमें एट ईच क्वार्टर ही है अपडेट्स ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा मुझे यह बताओ इट्स प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो आप सेबी में डिस्क्लोजर करते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं इज गिवन बाय <coughs> सेबी सेबी ही बताएगा कि उसको हमने अपने पास कैसे देना है बट रेकोगेशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे रेकोग्नेशन एंड मेजर मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स कैन नॉट बी फटाफट से बताओ डेफर्ड उन्हें डेफर नहीं कर सकते हैं लेकिन अप्लाई एक्ल कॉन्सेप्ट जब मैं बोलता हूं अप्लाई एक्ल कॉन्सेप्ट तो मतलब प्रीपेड अभी भी चलेगा फटाफट -फड़ से बताओ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी है वो रहेगा अच्छा फिर हमने कहा कि अगर मान लो चेंज इन एस्टीमेट होता है तो चेंज इन एस्टीमेट कहां पर जाएगा एडजस्ट वेयर चेंज इज मेड जहां आपने चेंज किया वहीं आप उसका चार्ज डाल देंगे और तीसरा चेंज इन पॉलिसी शुड बी शोन ओनली फॉर रेलेवेंट इंटरिम पीरियड जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसी का देंगे क्या अगला पिछला एडजस्ट कर सकते हैं इसमें द आंसर इज नो ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये प्रिंसिपल्स कहां से उठाए हैं मैंने फटाफट फड़ से बताओ ये प्रिंसिपल्स मैंने कहां से उठाए हैं ये प्रिंसिपल्स हैं ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 तो क्या लॉ में भी आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे द आंसर इज यस इनको किस नाम से बुलाया जाता है ये कॉन्सेप्ट को किस नाम से बुलाया जाता है इसका नाम है इंटेरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओके चूंकि ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है तो क्या इसमें चांसेस हैं कि आपका इंस्टीट्यूट ए एस पच्चीस में और इस कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ ले कुछ ना कुछ ओके okay? तो दो इट इज नॉट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाई वी आर डूइंग क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता है तो इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है कि ये क्या होता है ये क्या होता है इसमें कौन सी चीज कॉमन होती है कौन सी चीज अलग होती है इसका क्या नाम होता है इसका क्या नाम होता है ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है ओके इंटेरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारे पास इंटेरिम का मतलब क्या है पीरियड लेस देन ट्वेल्व मंथ क्या मैंने क्वार्टरली बोला है फटाफट फड़ से बताओ इंटेरिंग पीरियड मैंने क्वार्टर बोला है? The answer is no. क्या ये तिमाही भी हो सकता है चौमाही भी हो सकता है पंचमाही भी हो सकता है छिमाही भी हो सकता है फटाफट फड़ से बताओ कुछ भी हो सकता है नौमाही भी हो सकता है दशमाही भी हो सकता है ये मुझे नहीं चाहिए है ओके इट कैन बी एनीथिंग अगर मान लीजिए आपका पहला ही साल है अगर आपका पहला ही साल है पिछला डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं उसे इग्नोर कर देंगे और पहला ही जो साल होगा वो बेशक छोटा भी हो बेशक छोटा भी हो उसे इंटरिम पीरियड नहीं बोलते हैं अच्छा अभी ने कहा क्या ये मंथली भी हो सकता है? अरे भाई ये तो रह गया ये महीने का भी मही हो सकता है ये दोमाही भी हो सकता है तिमाही भी हो सकता दोबारा से गिनती तो नहीं करूं ना समझ में आ गई ये बात ठीक है चलो तो हमने कहा हमारे पास एक तो ये है जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम करते हैं इट्स अ काइंड ऑफ फटाफट से बताओ ये क्या है काइंड ऑफ अपडेट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा इसका क्या फायदा होता है मैं तो फायदा ही भूल गया इसका कि इंटेरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का क्या फायदा है भाई ये एक बेटर टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन है किसको दी जाती है इंफॉर्मेशन फटाफट फड़ से बताओ ये इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है भारत सरकार को के यूजर्स को यूजर्स को <coughs> इसका मतलब ये हमको अपने पास तैयार करना पड़ता है मैंने आपसे कहा कि इसके कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए नंबर <coughs> वन जो हम ये अपने पास आईएफआर बनाएंगे ये हो सकता है कंडेंस्ड हो यह हो सकता है कंप्लीट हो <coughs> यानी कि आपके पास चॉइस है कि आप जैसे मर्जी बना सकते हैं कंप्लीट भी बना सकते हैं भी बना सकते हैं विच वन इज बेटर कंडेंस इज बेटर क्योंकि इट सेव्स टाइम ऑफ एवरी वन चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे वो यूजर है वो उनका टाइम सेव करता है बट स्टिल आपके पास यह चॉइस होती है जब भी आप इन्हें अपने पास तैयार करेंगे तो आपके पास जो बनेगा वो बनेगा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स भी बनेंगे क्या इन सब के अंदर अगर आप कंडेंस कर रहे हैं अगर कंडेंस हैं तो इनके हेड एंड सब हेड क्या होने चाहिए ये सेम होने चाहिए एज इन मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हम एनुअल बनाते हैं उनसे क्या होने चाहिए ये मिल जाने चाहिए हम इसके अंदर कुछ नोट्स भी देंगे हम कौन कौन से नोट्स देंगे अपने पास हम बताएंगे लिटिगेशन के कोई चार्जेस हैं तो वो बताएंगे हम अपने पास अगर कोई मान लीजिए अमेलगमेशन हो गया है तो अमेलगमेशन के बारे में बताएंगे हम अपनी अर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी में अर्निंग पर शेयर बताएंगे ई पी एस हम एस सत्रह के अंदर अपने पास अगर कोई सेगमेंट की इंफॉर्मेशन है तो वो बताएंगे हम अपने पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स अगर हैं तो वो भी बताएंगे हम अपने पास कोई भी डिक्लाइन इन इन्वेंट्री हो जाती है तो वो भी बताएंगे हम अपने पास कभी भी इंपेयरमेंट लॉस हो जाता है तो वो भी बताएंगे ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स हम क्या करेंगे अपने पास करते जाएंगे अच्छा इसके अलावा हमने आपसे कहा कि जब हम इन, इनको बनाते हैं अपने पास इनकी प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो एस पर हमारे पास सेबी की नहीं है वो एस पर दिस रिक्वायरमेंट है इन स्टेटमेंट्स के अंदर आई एफ आर के अंदर कुछ कंपैरेटिव्स भी देने पड़ेंगे आपको वो कंपैरेटिव्स कौन कौन से होंगे <clears throat> तो वो जो कंपैरेटिव्स होंगे वो होंगे बैलेंस शीट कौन सी होगी एंड ऑफ आई एफ आर तथा एंड ऑफ प्रीवियस इयर ठीक है ना प्रीवियस ईयर के एंड की अच्छा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस देंगे वो देंगे फॉर आई एफ आर पीरियड करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर और देंगे हम अपने पास ईयर टू डेट पीरियड करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर तो कितने हो गए पी एंड एल चार हो गए ठीक है ना आपने देखा मैंने इसके साथ ही करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिख दिया आपने पास ठीक है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो देंगे वो देंगे फॉर ईयर टू डेट किसके लिए करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर तो हम अपने पास ये वाले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी साथ में प्रस्तुत करेंगे हमने आपसे कहा कि जब हम इन स्टेटमेंट को बनाते हैं तो कुछ रेकोग्निशन एंड मेजरमेंट के प्रिंसिपल हमको अप्लाई करने पड़ते हैं ये प्रिंसिपल्स वही हैं मैं दोबारा से दोहरा देता हूं क्या आप अपने खर्चे को डेफर कर सकते हैं भाई प्रीपेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं प्रीपेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं वो तो अप्लाई करोगे क्रियल कॉन्सेप्ट आई एम से जो खर्चा डेफर नहीं हो सकता यानी प्रीपेड नहीं है उसे भी तुम डेफर कर सकते हो द आंसर इज नो ओके okay. तुम एक्सपेंस को डेफर या प्रीपोन व्हाट इज प्रीपोन प्रीपोन डेफरमेंट का उल्टा है कि अगला खर्चा एडवांस में बुक कर लेना यह भी तुम नहीं कर सकते हो क्या तुम अपनी इनकम के साथ ऐसा कर सकते हो तुम इनकम के साथ भी नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारी चेंज इन पॉलिसी हो जाए तो इफेक्ट जो शो करना है वो सिर्फ किसका शो करना है सिर्फ रिलेटिंग टू आई एफ आर जो आपका आईएफआर का पीरियड है उसी के लिए शो करना है वो आपको कहते हैं कि हमने अपने पास पॉलिसी चेंज कर दी और उसका चेंज कब करिए अब एक बात बताओ अगर चेंज करिए पॉलिसी अब तो क्या पिछले इंटेरिम पीरियड भी इफेक्ट होंगे जल्दी से बताइए क्या पिछले इंटरिम पीरियड भी इफेक्ट होंगे द आंसर इज यस पर इफेक्ट कौन सा लेना है आपने फटाफट फड़ से बताओ सिर्फ करंट वाले का लेना है इसी का मैं उल्टा बोलूंगा ध्यान से सुनना अगर चेंज इन एस्टीमेट होता है तो जो इफेक्ट लेना है जो शो करना है वो ऑल पीरियड्स का शो करना है इन आई एफ आर पीरियड समझ में आई बात मतलब ये कि तुमने अपने पास यहां पर क्या कर दिया फटाफट फड़ से बताओ यहां पे तुमने पॉलिसी चेंज कर दी तो उसमें हमारे पास इफेक्ट ये भी बदल गया इफेक्ट ये भी बदल गया इफेक्ट ये भी बदल गया तो आपके पास टोटल इफेक्ट कितने आ गए इफेक्ट वन प्लस इफेक्ट टू प्लस इफेक्ट थ्री तो मुझे बताओ आई में कौन सा जाएगा फटाफट से बताओ आपने अपने पास पॉलिसी चेंज कर दी तीन इफेक्ट है यह आपका करंट पीरियड है आई में कौन जाएगा आई में सिर्फ ई जाएगा लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि आपने एस्टीमेट चेंज कर दिया तो क्या फिर से आपके पास इफेक्ट कितने आए तीन तो आपने यहां पर एस्टीमेट चेंज कर दिया आपके पास इफेक्ट कितने आए आए तो तीन लेकिन मेरा सवाल है आई में क्या जाएगा ई वन ई टू या ई थ्री या ऑल तो यहां क्या जाएगा यहां जाएगा ऑल कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दिस टू तो ये हमने आपसे कहा ये रेकोग्नीशन एंड मेजरमेंट है मुझे बताइए क्या ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आते हैं इसी पर ही इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आते हैं हिमांशु कह रहा है ई फोर का इफेक्ट कब जाएगा हिमांशु ई फोर तब तो अगला पीरियड है उसमें पॉलिसी चेंज होगी नहीं क्योंकि तुम पिछली बार चेंज कर चुके हो तो अपना नॉर्मल इफेक्ट आएगा ओके सभी में सब कुछ जाता है एक्सेप्ट एक चीज में चंचल रट्टा नहीं लगाए सबको मार्क कराया इसमें यह रूल है इसमें यह रूल है इसमें यह रूल है इसमें यह रूल है ठीक है इन चारों को कंबाइन मत करिए अच्छा अब मुझे बताइए मैं एक बात आपको बताई नहीं है कहो तो वो भी बता दो कल क्लास खत्म हो रही थी और एक बात रह गई थी वो कौन सी बात है वो नीले पेन से लिखूं या लाल पेन से लिखो फटाफट -फड़ से बताओ कौन से पेन से लिखो सर लाल पेन से लिखो ओके नीले पेन से नहीं मैंने लाल पेन उठा लिया है ओके वो ये क्या हमारे पास जो एंड ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड है उसमें प्रोविजंस भी बनानी पड़ेगी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना तिमाही बंद कर रहे हैं क्या मतलब हुआ तिमाही बंद अब असल में क्या तुम लोगों को मैं देसी तो बना ही दूंगा ठीक है वैसे एक बात बताऊं आपको मैं आपको देसी बना दूंगा तो आप इससे घबराना मत जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो वहां जिस तरह की भाषा मैं यूज करूंगा ना वैसी भाषा यूज हो रही होगी तो आप उनमें एक्सपर्ट होंगे ठीक है तो आप इसलिए यह मत कहना रहे यार ये तो पता नहीं तिमाही बोल रहे हैं चमाही बोल रहे हैं तो मतलब एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया और सर्टन सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न इंडिया में ऐसा है बाकी साउथ इंडिया में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो बट अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल चलेगा दफ्तर के अंदर भी तो मैं अपना तिमाही फाइनल कर रहा हूं समझ में आ गई <coughs> हाँ, दिया कह रहा है इंग्लिश वर्ड क्या है इसका मैं अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर रहा हूं कितना बोलना पड़ा मुझे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा हूं हिंदी में क्या बोला मैंने मैं तिमाही फाइनल कर रहा हूं ठीक है <laughs> तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपना तिमाही फाइनल कर रहा हूं क्या तीन महीने के एंड में भी मुझे प्रोविजन बनानी पड़ेगी सर मतलब ये कि अगर थर्टियथ जून है तो थर्टीएथ जून को भी हमें प्रोविजन बनानी पड़ेगी द आंसर इज यस वो आंसर इज यस सर क्या इसमें भी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट्स बट बिफोर अप्रूवल अप्लाई हो जाएगा आई मीन टू से थर्टीएथ जून के स्टेटमेंट्स मेरे पास 15 जुलाई को तैयार हो गए यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स पंद्रह जुलाई को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गए तो क्या थर्टीथ जून के बाद पंद्रह जुलाई तक अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट घटित होते हैं क्या उसकी मुझे प्रोविजन बनानी पड़ेगी अपने पास आ हा 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 तो मुझे जवाब दो ये मेरा क्वेश्चन है क्या प्रोविजन बनेगी कि नहीं बनेगी तो जवाब है हा प्रोविजन बनेगी क्या प्रोविजन बनने के लिए वो कंडीशन अभी भी चलती रहेंगी मैं भूली गया वो कौन सी प्रोविजन थी देर शुड भी पीओ फुल बताओ पीओ का मतलब क्या है देर शुड बी पीओ देखो ए, एक बच्चे ने बताया नालायक संजीव कह रहा है पास इवेंट पास इवेंट पीओ होता है क्या नालायक फिर कहते हैं सुबह सुबह गालियां मत दिया करो हमको पीओ मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम बताओ अराइजिंग फ्रॉम अब संजीव बोलो जो बोल रहे थे अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इन्वॉल्विंग क्या इन्वॉल्व है उसमें क्या देना पड़ेगा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी, विच कैन बी, फटाफट से बताओ विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली जिनको मेजर कर सकते हैं तो ये यहां पर भी है क्या इंटेरिम रिपोर्ट्स में भी प्रोविजंस बनाई जाती है द आंसर इज यस को तो समझ ही नहीं आ रहा दुनिया बनाने वाले तूने क्या है को दुनिया बनाई बनाई तो बनाई लेकिन क्या सुंदर एएस एस बनाए हैं उसमें ठीक <laughs> है इसका ना मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो नहीं बोलना है अभी ओके <clears throat> okay. अब मुझे यह बताओ कि यह प्रोविजन जब बनाएंगे तो यह प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालेंगे तो भाई जैसे पहले निकालते थे क्या लेना पड़ेगा हमको बेस्ट एस्टीमेट क्या लेना पड़ेगा मुझको बेस्ट एस्टीमेट फटाफट से बताओ बेस्ट एस्टीमेट कैसे निकाले जा सकते हैं मेरे को चक्कर आ रहे हैं बेस्ट एस्टीमेट कैसे निकाले जा सकते हैं एक तो था वो ईवीएम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नालायक अशोक <coughs> ईवीएम वो वाले ईवीएम नहीं है कौन सा है ईवीएम की फुल फॉर्म बताओ नालाई को वेरी गुड वेरेन एक्सपेक्टेड ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड नहीं तो एक और भी तरीका है फटाफट -फड़ से बताओ उसका नाम है एमएलओ एम ओके ठीक है तो एम एल अगर एमएलए होता तो फिर तो मैं आपको बता देता एम एल भी लेकिन अभी एमएलओ निकलाइकली आउटकम हम इससे अपने पास अपनी प्रोविजन को बनाते हैं ओके okay? यहां तक कोई दिक्कत होता बताइए सर सर ये दूसरा डंडा क्यों बनाया है आपने क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो सकती है यहां प्रॉब्लम है सारे बच्चे दो मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचे इनकम टैक्स वाले क्या क्वार्टरली रिटर्न को बनाएंगे बताओ जरा क्या इनकम टैक्स वाले क्वार्टरली बनाएंगे या उनका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है उनका तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का है एक बच्चा कह रहा है एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स आप कैलकुलेट करते हो मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं रिटर्न की कैलकुलेशन जो होती है रिटर्न की कैलकुलेशन इनकम टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन हम क्वार्टरली तो नहीं बनाएंगे देन हाउ डू वी एस्टिमेट माय प्रोविजन फॉर टैक्स सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ मैं आपको शिवम एक क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है सारे बच्चे सुनना वह आप लोग टैक्स के एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा सीधा सीधा पूछूंगा कितने रुपए तक टैक्स फ्री है आजकल कितने रुपए तक टैक्स फ्री है आज तक भाई अगर कोई नई स्कीम को ऑप्ट करता है जो नया न्यू रिजीम जिसे आप बोलते हैं न्यू रिजीम में कितने रुपए तक टैक्स नहीं लगता है सात लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी आज इनकम छ लाख रुपए हो गई है फॉर दिस नाइन मंथ पीरियड ओके मेरी कितनी इनकम हो गई है मेरी छह लाख इनकम हो गई है फॉर नाइन मंथ पीरियड्स तो आप मेरा टैक्स कितना निकालोगे फटाफट -फड़ से बताओ <coughs> आप मेरा टैक्स कितना निकालोगे वेरी गुड मोहम्मद सुलेमान ने कहा जीरो दिशा ने कहा जीरो मोहित ने कहा जीरो अमीशा ने कहा जीरो द आंसर इज नो मतलब तुमने तो गजब कर दिया तुमने कहा पहले तो सात लाख रुपए तक टैक्स नहीं है तो पहले इंटेरिंग पीरियड में जब तक सात लाख का मीटर चल रहा है यू विल से टैक्स जीरो और आखिरी के तीन महीने में जब मेरी इनकम और हो जाएगी तो तुम बोलोगे अब लगाऊंगा टैक्स ये तरीका ठीक नहीं है आवाज दो मुझको क्या आपको फील आ रही है आप यह थोड़ा ना कह सकते हो कि शुरुआत के इंटेरिंग पीरियड में जीरो टैक्स वाली इनकम होती है बाद में टैक्स वाली इनकम होती है ये बोल सकते हो क्या तुम हाउ कैन यू से ठीक है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप ये नहीं कह सकते जो पहला रुपया आ रहा है यह सात लाख में से आ रहा है आपने मेरे को एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे बताओ मेरी इनकम होने वाली है दस लाख रुपए पूरे साल की इनकम सारे बच्चे बताएंगे कुमार शानू मेरी इनकम होने वाली है दस लाख रुपए और सात लाख रुपए तक टैक्स कितना है नील और उसके बियॉन्ड टैक्स का रेट कितना है 20 परसेंट आई एम जस्ट एज्यूमिंग इट ओके डोंट से सर ये रेट है कि नहीं है एक मिनट के लिए मेरे साथ में बात को सहमत हो जाना मुझे बताओ हमारे साथ टैक्स का रेट कितना है सात लाख तक निल फिर कितना टैक्स का रेट है ट्वेंटी परसेंट मुझे बताओ अगर मैं दस लाख रुपए साल के कमाऊंगा तो मेरे को इस पर कितना टैक्स लगेगा मुझे साल के ऊपर अगर मैं कमाऊंगा तो साल का टैक्स कितना लगेगा साठ हजार अब मान लो मैंने पहले छह महीने में सात लाख कमाए बाद वाले छह महीने में तीन लाख कमाए तो आप क्या बोलेंगे यहां टैक्स जीरो यहां टैक्स साठ हजार क्या ये अप्रोप्रिएट है द आंसर इज नो जानते हो आप क्या करोगे आप पहले इसका रेट निकालोगे आ हा, इसे बोलते हैं एवरेज रेट इफेक्टिव रेट एवरेज रेट पड़ता क्या है रेट्स मुझे बताना पड़ता क्या है रेट? अगर 10 लाख पे साठ हजार टैक्स लग रहा है तो पड़ता क्या है रेट? देसी भाषा में बोलो पड़ता क्या है रेट? साठ हजार और 10 लाख तो पड़ता क्या है 6 परसेंट ओ तो आपका आंसर पता क्या होगा हम सात लाख ,00 में छह परसेंट फोर्टी टू थाउजेंड का टैक्स यहां और अठारह हजार का टैक्स यहां ओ माय गॉड क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट तो मैंने आपके साथ ये बात बताई कि यह तरीका है तो मुझे बताओ टैक्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स के केस में आपको आईएफआर की इनकम को पहले निकालना पड़ेगा मान लो आई एफ आर की इनकम आई चार लाख आई एफ आर की इनकम कितनी आई चार लाख तो इसका टैक्स कैसे निकालोगे वोट से जीरो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पड़ता क्या है रेट अंग्रेजी में क्या बोलो पड़ता क्या है रेट को अंग्रेजी में क्या बोलो हम बोलेंगे एवरेज एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट्स मेरे केस में कितना इफेक्टिव टैक्स रेट है जो मैंने अभी भी निकाल कर दिखाया मेरे केस में इफेक्टिव टैक्स रेट है तो अगर मेरी इनकम चार लाख एक क्वार्टर में होती है तो चार लाख का छह परसेंट मेरे को कितना टैक्स दिखाना पड़ेगा चौबीस हजार का टैक्स दिखाना पड़ेगा बल्ले बल्ले अब बल्ले बल्ले अब मुझे यह बताइए क्या यह स्टैंडर्ड खत्म हो गया है द आंसर इज यस दस लाख की इनकम तो लास्ट में हां दक्ष कह रहा है सर दस लाख की इनकम तो लास्ट में पता चलेगी वेरी गुड क्वेश्चन वो बाद में पता चलेगी पर तुम उसका अनुमान तो अभी लगा सकते हो तभी तो मैंने लिखा एवरेज एस्टिमेटेड ओ इसका मतलब मैं क्या करूंगा कहीं दूर इनकम दिख जाए इनकम टैक्स का अनुमान लगाए टैक्स बताए क्या आपने एडवांस टैक्स पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स में क्या आपने एडवांस टैक्स पढ़ा हुआ है हाँ पड़ा हुआ है क्या एडवांस में भी यही रूल होता है कहीं दूर इनकम दिख जाए वहाँ पर भी तो यही करते हो कहीं कोई इनकम दिख जाए जिसका आप आज ही टैक्स कैलकुलेट करके मोदी जी को आज ही जमा भी करा देते हो ओके चलिए चलिए शकुनी रहा बिजनेस करना इतना मुश्किल क्यों है क्योंकि तुम्हारे कान के नीचे अब मैं बताओ रिकॉर्डिंग हो रही है मैं ऐसे ही आपको गालियां दे रहा हूं लव कह रहा है आप यहां कहां बैठे हैं आपको बॉलीवुड में होना चाहिए बेटा तुमने मेरे को पहचाना है लव अग्रवाल तुमने मेरे को पहचाना है नहीं लव अरोड़ा है शायद आप मैं आपको यह कह सकता हूं कि जोहरी को ही हीरे की कदर पता होती है मैं हीरा हूं और तुमने कदर कर ली है कि मेरे को बॉलीवुड में होना चाहिए था ओके लव आ रहा है, ओके तुम्हें लव कोई भी दिक्कत आए बेटा सीधा मुझे डायरेक्ट फोन क्या करो ठीक है मैं तुमसे इतना प्रभावित हूं डायरेक्ट फोन क्या करो और ये बाकी जितने फालतू के बच्चे फालतू फालतू बातें करते हैं फोन मत क्या करो मेरे को आप ओके ठीक है